नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर आतंकियों के साथ गठजोड़ करने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि उन्होंने आज एक बार फिर अपने बयान से यह साबित कर दिया कि वो आतंकवादियों की कितनी बड़ी पक्षधर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोपों के बाद तमाम लोगों को सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त हुए लोगों पर आतंकवादियों के सहयोगी के रूप में काम करने के आरोप हैं। उनके खिलाफ जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटे भी शामिल हैं। कर्मचारियों की इस बर्खास्तगी पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं। कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं किसी का समर्थन नहीं कर रही। आप किसी पिता के किए काम की सजा तब तक उसके बेटे को नहीं दे सकते जब तक कि आपके पास कोई सबूत ना हो। ये सिर्फ 11 कर्मचारियों की बात नहीं है, इन लोगों ने इस साल 20 से 25 लोगों को नौकरियों से निकाला है। महबूबा जिन 11 लोगों का अपने बयान में जिक्र कर रही थी उनमें सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ भी हैं, जो हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे हैं। जांच में इन दोनों को भी टेरर फंडिंग में शामिल पाया गया है। NIA ने अपनी जांच में पाया कि दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के लिए पैसा उगाने, वसूलने, जमा करने और उसे हवाला के जरिए ट्रांसफर करने में शामिल थे। बर्खास्त किए गए लोगों में दो पुलिसकर्मी भी हैं। ये आतंकियों को सुरक्षा बलों के बारे में पूरी जानकारी दिया करते थे। जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उसमें 4 अनंतनाग, 3 बड़गाम, 1 बारामूला, 1 श्रीनगर, 1 पुलवामा और 1 कुपवाड़ा का है। एक तरफ जहां अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुफ्ती मुसीबत में फंसे पाकिस्तानियों की हमदर्द बनी फिरती थी, तो वहीं ये बात अपने आप में कितनी शर्मनाक है कि महबूबा मुफ्ती खुलेआम आतंकवादियों के लिए रोना रो रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।